इस वक्त मैं शर्मा टी स्टॉल पर हूँ हजरतगंज में। यहाँ की चाय बहुत फेमस है, यहाँ पर लोग आते हैं चाय पीने और चाय पर खूब चर्चा करते हैं। इस वक्त मैं इसलिए हूँ यहाँ पर क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और लखनऊ में चुनावी माहौल क्या है ये जानने के आइए हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपसे आप ये बताएं कि चुनाव नज़दीक है और लखनऊ का चुनावी माहौल क्या है? लखनऊ में बिल्कुल चुनावी माहौल चल रहा है, लोग विधायक लोग बाहर निकल आए हैं, अपने जनप्रतिनिधि अपने जन संपर्क में लग गए हैं। जनता किसे चुनेगी? इसका जनता तो भाजपा ही को चुनना चाहिए क्योंकि काम अच्छा किया है उसने। अच्छा, कुछ काम जो अच्छा किया है वो आप बता सकते हैं? हाईवे बन रहे हैं, सड़कें सुधरी हैं, लूटपाट बंद हुई है, बंदूक संस्कृति खत्म हुई है। जी हाँ जी, बोलिए जी। मेरा नाम राजू पटेल है और इस बार मैं समाजवादी पार्टी को देखना चाहता हूँ। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी समाज में है। हिंदुस्तान जहाँ हम इस कंट्री में रह रहे हैं वो विकासशील देश है। सरकारें जहाँ ये दावा कर रही हैं कि इस हिंदुस्तान को विकसित बनाएंगे, कैसे विकसित हो पाएगा? BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई फॉर्म बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। यदि आप 100 रुपये 200 रुपये लेकर के अभी मार्केट में सब्जी खरीदें, टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है, आलू 40 रुपये किलो बिक रहा है, कैसे मतलब होगा? कोरोना काल में सरकार ने जहां जितना जबरदस्त वैक्सीन लोगों को फ्री में लगवाई, वहां सरकार को व्यापारियों के हित में भी एक काम ये करना चाहिए कि जो किराया मतलब व्यापारियों का है वो माफ होना चाहिए, बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, इस समय बहुत ही महंगाई हो गई है, युवा बेरोजगार है और मेरी अपनी ओपिनियन है कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रमुखता से सरकार बनाएगी। मैं आम आदमी हूँ और मैं मतलब क्या कहते हैं ये मेरी अपनी ओपिनियन है जो समाज में हो रहा है, मैं मतलब अपनी राय रख रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि जिसके घर में लड़की होगी उसको स्कूटी देंगे, आप वाले मतलब कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि इस बार जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेगी और समाजवादी पार्टी को मतलब प्रमुखता से मतलब समाज में लाएगी। सर, आप बताएं कि इस बार क्या माहौल है लखनऊ का? अरे BJP का माहौल शुरू से है, अब भी है और आगे भी रहेगा, इसके सिवा कोई नहीं चलने वाला। अच्छा जी, आप बताएं। चिल्लाता कोई कितना भी रहे लेकिन यहाँ पे केवल माहौल BJP का ही है, BJP को ही आना है, कोई भी सामने नहीं है, बिकॉज किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं। अच्छा, मुद्दा तो लोग ये भी उठाते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या BJP वोट बैंक पर? अब जिसको रटी रटाई बातें करने की आदत है वो करता रहेगा, जिसको मार्केट के बारे में नहीं पता, जिसको दुनिया के बारे में नहीं पता, उसको यही सब बातें रटी रटाई जो नेता है बोलते रहते हैं वही बोलते हैं, इसके अलावा कोई बात कोई नहीं बोलता है, अपनी तरफ से कोई बात कोई रखने को तैयार नहीं है, वही रटी रटाई बात है। कौन रखने को तैयार नहीं है, नाम तो बताएं कौन? कोई भी नहीं, चाहे वो सपा हो बसपा हो, बसपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सपा के पास केवल एक मुद्दा है बेरोजगारी। वो पता नहीं कितना रोजगार, जितनी भी भर्तियाँ उन्होंने करी हैं सपा सरकार ने, आज तक वो क्लियर नहीं हुई है, आज तक वो कोर्ट में लटकी पड़ी हैं, किसी न किसी भ्रष्टाचार के चक्कर में, किसी न किसी चीज मतलब कोई किसी न किसी प्रॉब्लम्स के चक्कर में, लेकिन जो सब भाजपा की जितनी भी भर्तियाँ हैं सब क्लियर हुई हैं। आज भी लोग टीचर हो रहे हैं, आज भी लोग अन्य विभागों में, पुलिस में आप देख लीजिए, टीचिंग लाइन में आप देख लीजिए, हर जगह पर पोस्टें भर्ती चली जा रही हैं और जो भी भर्तियाँ निकल रही हैं वो क्लियर हो रही हैं। तो बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ, और ये कोई हमारी समस्या आज की नहीं है, दिस इज़ ग्लोबल प्रॉब्लम, अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ थोड़ा बड़ा है ड्यू टू कोविड एंड ऑल, और पूरी दुनिया में बढ़ा है, कोई भारत में अलग से नहीं बढ़ा हुआ है। अब कहने के लिए आप कहते रहिए, वो रट्टा लगाते रहिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। पहले जैसा माहौल रहा है क्या, जैसे BJP में 2019 और 2014 में था, वैसी लहर है क्या? उससे तगड़ी लहर है मेरे ख्याल से। उस समय इसलिए था कि सामने लोग टक्कर में थे इसलिए आपको लहर दिखाई पड़ रही थी, अभी कोई सामने है ही नहीं तो लहर दिखेगी कैसे? नहीं, सपा है ना टक्कर में, अरे मुझे लगता है पिछली बार से भी कम सीटें आने वाली हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। आपके हिसाब से कितनी सीटें आएगी? नहीं, ऐसे में गणना करना हाइपोथेटिकल मतलब आगे बताना ऐसा ठीक नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ ही आना है इनको, उसमें कुछ भी इफ़ बट नहीं है। चलिए, सर का कहना है कि BJP इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप ये बताएं कि इस बार लखनऊ में माहौल क्या है? लखनऊ के नहीं, पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ा हुआ है, योगी से सब परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, पिछड़ा परेशान है, दलित परेशान है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं 145 दिन से,
यातायात सरकार ना तो सुनने को तैयार है ना मानने को तैयार। इस बार अगर ये रोजगार पे अगर बात नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार ना देने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता से बाहर है, क्योंकि पिछड़ा, दलित और बेरोजगार ही सरकार बनाता है और ये नींव है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक ये लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो मोदी ने बनाया और इन्हीं का आयोग इन्हीं के सरकार के खिलाफ देता है कि आपने घोटाला किया है, लेकिन ये न्याय नहीं दे रहे हैं। 145 दिन से भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, इको गार्डन जैसे पत्थर की जेलों में बंद कर दिए लोग, लेकिन न्याय देने की बात कोई नहीं कर रहा। तो कहाँ, पूरी दुनिया त्रस्त है, लखनऊ क्या, पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है, उत्तर प्रदेश क्या, पूरा देश त्रस्त है इनसे, इन्हीं की सरकार है। नहीं, बीजेपी तो बोल रही है कि इस बार वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अरे बोलने से सरकार नहीं बनती है, अगर इतने पूर्ण बहुमत से बोल रहे हैं तो इनका ईवीएम है, इनके डीएम है, ये सब कुछ कर सकते हैं, इससे थोड़ी नहीं होगा। लोग जागेंगे, अगर बेरोजगार जागेगा, लोग जागेंगे तो कहीं ना कहीं न्याय होगा। अगर इनके पास ईवीएम है और डीएम है तभी ये इतना गुमान होकर बोल रहे हैं, लेकिन ईवीएम और डीएम की रखवाली लोग करेंगे। जनता से बड़ा तो ईवीएम नहीं हो सकता ना। नहीं, क्यों नहीं है, ईवीएम एक कोर्ट से चलता है, पूरे सिस्टम चलता है उसको, इनके पास पैसा है, तंत्र है, क्यों नहीं उसको हैक कर सकते हैं ये लोग, उस पर करवाएं वोट, जो वोटर लिस्ट पे होती है। आप किसको समर्थन करते हैं? हम किसी को नहीं, जो युवाओं की बात करेगा, बेरोजगारों की बात करेगा, पिछड़ों की बात करे, दलितों की बात, कौन आपकी नजर में कौन है? वो कौन है, चाहे जो पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अभी सभी के एजेंडे नहीं क्लियर, अभी तो सब प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं, सब लोग कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कह रहे हैं हमारी सरकार बनाइए तो हम रोजगार देंगे। तो जो अभी जो हमारे साथ लड़ेगा, युवाओं के साथ लड़ेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वो सरकार और सत्ता में आएगा। अच्छा जी, आप बताएं सर, ये सरकार पिछड़े और दलितों की बात करती है और उनके लिए कहीं ना कहीं ये पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाती है और पिछड़ों के लिए चेहरा दिखाकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जैसे बना देती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टूल मंत्री बनकर रह जाते हैं। जब हम लोग जाते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि इन्हीं द्वारा बनाया गया आयोग है, और 69,000 भर्ती जिसमें सभी मानक पूरे करके हम अभ्यर्थी सड़कों पे, इको गार्डन पे अनवरत धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जबकि इन्होंने कहा था कि ओबीसी को जो संविधान प्रदत्त रिजर्वेशन है, एससी को 27% ओबीसी को और एससी को 21%, वो रिजर्वेशन इनको देना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि दिल्ली, आपका मुद्दा क्या है, आपकी आप ये बताएं। हमारा मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती जिसमें हम लोग पिछड़े दलित लोग हैं, ठीक है, तो उसमें इन्होंने रिजर्वेशन के साथ घोटाला किया। आप पिछड़े दलितों की वोट बैंक तो ले लेते हो, वो उनको गुमराह करके, बस जब उनका रोजगार, आज के दौर में ये वो युवा नहीं है पुराने ज़माने का कि वो उसको अंगूठा टेक कराकर आप उसकी ज़मीन जायदाद हड़प लो, ये पढ़ा लिखा युवा है आपकी धज्जियाँ उड़ा के रख देगा, ठीक है। इसलिए आप पिछड़े दलितों का जो हक होता है संविधान प्रदत्त, वो जरूर उनको दीजिए, कोई भीख नहीं यहाँ चाहिए हमको जो है, ठीक है। अगर पिछड़े दलितों की बात नहीं होगी तो कोई सरकार नहीं बना सकता, चाहे जो कोई हो वो मठों पे उसको वापस जाना पड़ेगा। इसलिए पिछड़े दलितों के साथ आप रहिए, ये 15% में आपका भला नहीं होने वाला है। पिछड़ों के साथ कौन रहता है आपकी नज़र, कौन बेहतर है? पिछड़ों के लिए अभी बहुत से हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जैसे क्या नाम है, चंद्रशेखर भैया हैं, वो बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं पिछड़ों के लिए, लेकिन अभी वो उभरता चेहरा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही जब छोटे छोटे चेहरे और उनका एक मजबूत संगठन बनेगा तो जरूर कहीं ना कहीं पिछड़ों की ही सरकार बनेगी, और ऐसे निकम्मागिरी अगर कोई करेगा तो उसकी सरकार क्या वो कहीं ना नहीं रह जाएगा जी। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो महंगाई है, महंगाई का बीजेपी के वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा? देखिए सबसे ज़्यादा आज के दौर में है, युवा जब बेरोजगार रह जाएगा, अपने वो सारे मानक पूरे करेगा, उसको आप हक नहीं दे। आज के दौर में सबसे ज़्यादा आप रोजगार दीजिए, रोजगार अगर रोजगार से आप पिछड़ जाएंगे, किसी को भीख नहीं चाहिए इस दौर में, आजकल सब कोई समर्थ है, लेकिन अगर उसका जो ज्ञान है और उसकी जो क्या नाम है योग्यता है, अगर आप उसके हिसाब से आप उसको रोजगार नहीं दोगे। क्या करते हैं सर? मैं इसी 69,000 शिक्षक भर्ती से मानक क्वालिफाई की हूँ सरकार के लगाए हुए, लेकिन इन्होंने गलत नियम लगाकर हम लोगों को बाहर कर दिया, तो अभी हम लोग दर दर की सड़कें छान रहे हैं, जबकि हम लोगों ने पूरे मानक सरकार के पूरे किए हुए हैं। अंकल आप बताएं कि क्या है माहौल इस बार? अच्छा ये नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है? नो कमेंट नहीं बता रहे हैं।
आप बता दीजिए सर। यस मैम बताएं। क्या माहौल इस बार लखनऊ में, किसकी लहर है? बीजेपी, नो डाउट। उसमें कोई डाउट या क्वेश्चनिंग करने जैसा क्वेश्चन? महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, उस पर क्या बोलेंगे? क्यों, महंगाई पहले नहीं थी, इसी बार महंगाई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का ये वक्त है कि हर इंसान अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकता है। इंसान अगर मेहनत करेगा समाज में अपने दम पे पैसा कमा सकता है और इज्जत कमा सकता है। बेरोजगारी का कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो उसे नौकरी मिलने की किसी प्रकार की कोई कमी है नहीं इस देश में। मैं खुद डेंटल सर्जन हूँ, मैं अपना क्लिनिक खुद चला रहा हूँ। मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, वो नौकरी कर रहा है, SCL में जॉब कर रहा है। कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ महंगाई है? जो पेट्रोल रेट हाइक थे वो लो हो गए। आज जो आदमी अगर ज़्यादा ही पेट्रोल कम है तो कार बाइक्स क्यों आदमी खरीद रहा है? सीधा असर वहाँ दिखना चाहिए, बट नहीं, ऐसा असर कुछ भी नहीं। अब लोग घर से निकलना तो नहीं बंद कर देंगे ना सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट बीजेपी को ना आने का कोई कारण ऐसा दिख नहीं रहा है कि बीजेपी ना आए या उसके प्रतिद्वंदी कोई आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं सीधा साधा यही कमेंट करना चाहूँगा, अपनी जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि सपोर्ट करें बीजेपी को। मैं एज अ कम्युनिस्ट नहीं कहना चाहता कि वो एक पार्टी को या एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए देश उनके अंडर में रहकर जो 10 साल में तरक्की करी है, आने वाले 100 साल में दूसरे अगर पार्टी होती तो नहीं कर पाती। तो इस 10 साल की तरक्की को देख कर ये कहा जा सकता है कि आगे भी इन्हें मौका दिया जाए तो हमारे देश को काफ़ी ऊपर लेके जा सकता है। मैम, इस बार विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है? 100% योगी पर्सन। अच्छा, 100% योगी जी, दूसरा कोई नहीं। क्यों, कोई नहीं? जितना विकास हमारे यूपी में हुआ है उससे ज़्यादा कि सबको दिखाई दे रहा है, किसी और की तो सोच। क्या विकास आपको लग रहा है यूपी में? हम तो खुद ही पैदाइश भी यहीं की है और हम लोग तो सब कुछ यहीं पे देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत और हर काम हम लोगों का कितनी खूबसूरती से हो रहा है। कोई भी काम बताएं मैम कि क्या काम है? कुछ काम सफाई का काम और कोई बल्कि जितने पुलिस वाले भी हैं वो भी काम करते अच्छे दिखाई दे रहे हैं रोड के ऊपर। मैम का कहना है कि प्रशासन सख्त हो गई है योगी सरकार में, सर आपका कुछ कहना है? नहीं, हम योगी एडमिनिस्ट्रेशन से खुश हैं, ही इज डूइंग गुड जॉब। सर महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर? वो तो आगे पीछे चलता है, रहता है, वो फिर कम भी हो जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन इनका काम रेगुलर हो रहा है, ड्यूटीफुल हो रहा है और जो कर्मचारी है वो भी अच्छी तरह से ऑफिस में आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं फिर से हाजिर होंगी आपके बीच एक नई रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ सबा प्राइम TV लखनऊ।